रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से ग्राहकों के लिए बचत जमा दरों में वृद्धि करने का आग्रह किया है। बढ़ती ब्याज दरों के बीच बचत जमा दरें स्थिर बनी हुई है। वहीं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक अलग अलग बचत जमा दरों की पेशकश करते हैं। तो आगे समझने से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज के सेशन का डेट 27th October 2023 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक देश के बैंकों से खाता धारकों को उच्च ब्याज दरों का लाभ देने के लिए बचत जमा दरों को बढ़ाने का आग्रह कर रहा है। हालांकि बैंक इस योजना को अपनाने में अनिच्छा दिखा रही है। कई बैंकिंग स्रोतों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को भी बताया है कि ऋणदाता अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए बचत जमा दरें बढ़ाने के इच्छुक नहीं है। हालांकि बढ़ती मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने के लिए RBI के आक्रामक रुख के हिस्से के रूप में पिछले साल ब्याज दरों में 250 आधार अंकों से अधिक की वृद्धि हुई। उधार दरों में उल्लेखनीय वृद्धि के विपरीत बचत जमा दरें अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। बचत खाते जो कुल बैंक जमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आमतौर पर कम ब्याज दरों की पेशकश करते हैं। RBI चाहता है कि बैंक मौद्रिक नीति के अधिक व्यापक प्रसारण की सुविधा के लिए इस दरों को बढ़ाए। ब्याज दर संचरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाहरी बेंचमार्क आधार दरों के कारण हुआ है। एक छोटा हिस्सा अभी भी कम बचत जमा दरों के कारण बना हुआ है। गौरतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बचत जमा पर 2.7% से लेकर 4% तक की ब्याज दरों की पेशकश करते हैं, जबकि प्रमुख निजी बैंक 3% से लेकर 4.50% के बीच ब्याज दरों की पेशकश करती है। अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इसके बैंकों के लिए फंड की कुल लागत में मध्यम वृद्धि और शुद्ध ब्याज मार्जिन के वृद्धि में योगदान दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कथित तौर पर बचत जमा दर बढ़ाने पर विचार करने के लिए बैठकों के दौरान बैंकों को प्रोत्साहित कर रहा है और यदि आवश्यकता हो तो इस पहल को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो इंतजार करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बढ़ते कदमों को, जो जमा खाते के ब्याज दरों के रूप में आप सभी को दी जाएगी। एंडिंग ऑफ द सेशन। सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू। थैंक्स।